हेलो स्टूडेंट्स अपना प्रेस वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया था कि केमिकल रिएक्शन क्या होते हैं केमिकल इक्वेशन को कैसे लिखा जाता है किस तरीके से रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को एरो की मदद से एक्सप्रेस किया जाता है केमिकल इक्वेशन कुड बी सो मच इन्फॉर्मेटिव ये भी मैंने आपको बताया था आज हम उसी सीरीज में पढ़ेंगे कि कैसे केमिकल इक्वेशन को बनाया जाता है और केमिकल इक्वेशन को बनाते समय जो सिम्बल्स बनते हैं उसे हम कैसे समझ सकते हैं सो लेट स्टार्ट सबसे पहले किसी भी केमिकल इक्वेशन को बनाते वक्त उसमें कहा जाता है कि इस की रिएक्शन एसिड के साथ हुई तो एसिड के नाम आपको मालूम होने चाहिए या इस रिएक्शन में इस बेस का इस्तेमाल हुआ तो आपको बेस के नाम और इसके फॉर्मूले पता होने चाहिए यह बहुत ही ज़्यादा जरूरी पार्ट है तो आइए इसी को हम समझते हैं नेम ऑफ दी एसिड एंटी फॉर्मूला सल्फ्यूरस एसिड इसका फॉर्मूला एच टू एसओ थ्री सल्फ्यूरिक एसिड इसका फॉर्मूला एच टू एसओ फोर सल्फ्यूरिक एसिड के बारे में आपको एक बात पता होनी चाहिए कि सल्फ्यूरिक एसिड को किंग ऑफ केमिकल्स कहा जाता है क्योंकि कोई भी केमिकल अगर सिंथेसाइज किया जाता है तो सल्फ्यूरिक एसिड की कहीं ना कहीं हमको किसी ना किसी स्टेप पर जरूरत पड़ती ही पड़ती है दैट इज वाई सल्फ्यूरिक एसिड इज नोन एज किंग ऑफ केमिकल्स नाइट्रस एसिड फॉर्मूला एच एनओ टू नाइट्रिक एसिड इसका फॉर्मूला एच एनओ थ्री नाइट्रिक एसिड का दूसरा नाम होता है एक्वा फोर्टिस एक्वा फोर्टिस या दूसरा नाम स्ट्रोंग वॉटर तो नाइट्रिक एसिड को हम 11 ट्वेल्थ में आप लोग पढ़ोगे एक्वा फोर्टिस या स्ट्रॉन्ग वॉटर भी कहते हैं कार्बोनिक एसिड नेक्स्ट एच टू सी ओ थ्री फोस्फोरस एसिड एच थ्री पी ओ थ्री फोस्फोरिक एसिड एच थ्री पी ओ फोर एसिटिक एसिड सी एस थ्री सी ओ ओ एच एसिटिक एसिड को हम विनेगर भी कहते हैं विनेगर यानी कि सिरका आप सभी ने कभी ना कभी मंचूरियन या ठेलों के ऊपर नूडल्स और इसी तरीके से चाउमीन वगैरह खाया होगा तो नूडल्स वगैरह की प्रिपरेशन के समय विनेगर को डाला जाता है नाउ नेम ऑफ द बेसिस एंड दुलेस कास्टिक सोडा सोडियम हाइड्रोक्साइड इसका असली नाम है फॉर्मूला एन ए ओ एच कास्टिक पोटाश पोटेशियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं इसे फॉर्मूला के ओ एच मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इसका नाम मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एम जी ओ एच होल मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के बारे में आपको पता होना चाहिए यह एक एंटेसिड होता है एंटेसिड का मतलब वो केमिकल सब्सटेंसेस जिनको लेने पर हमारे स्टमक में से एसिडिटी खत्म हो जाती है तो इनो डाइजीन वगैरह जो आपने सुना है तो उसी तरीके से मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी क्या होता है एंटेसिड का, का काम करता है लाइम वाटर या स्लेक्ड लाइम <coughs> तो जो लाइम वाटर है जिसे हम स्लेक्ड लाइम कहते हैं इसे चूने का पानी कहा जाता है फॉर्मूला इसका सी एओ एच होल्डस नाम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ये सारी इंफॉर्मेशन आपको केमिकल इक्वेशन बनाते समय काम आएंगे स्टूडेंट्स। नेक्स्ट हमको कोई भी फॉर्मूला बनाना है जैसे आपको कहा जाए अमोनियम क्लोराइड का क्यूपरस सल्फेट का पोटेशियम ब्रोमाइड का तो उसके लिए हमको हर एक एलिमेंट का सिंबल और उसकी वैलेंसी पता होनी चाहिए यहाँ पर आपको कैटाइंस की एक सीरीज दी गई है और जिनके आगे उसका फॉर्मूला दिया है और सामने वैलेंसी लिखी है सबसे पहले वी मस्ट नो कैटाइंस क्या होते हैं ये वो आयंस होते हैं जिनके ऊपर प्लस का चार्ज होता है तो यहाँ पर आप इस सीरीज में देख सकते हो सभी एलिमेंट के ऊपर प्लस का चार्ज है और सामने राइट हैंड साइड में उनकी वैलेंसी को दिया गया है वैलेंसी क्या होती है द टोटल कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट इज नॉन वैलेंसी इसे हम और डिटेल में आने वाले चैप्टर्स के अंदर पढ़ेंगे तो हाइड्रोजन आयन एच इसका सिंबल है प्लस अगर सिंपल प्लस लिखा होता है तो उसका मतलब होता है प्लस वन तो क्योंकि इन सभी की वैलेंसी प्लस वन है इसीलिए इनके सिंबल के ऊपर प्लस का चार्ज दिखाई दे रहा है सो लिथियम लिथियम प्लस आयन, सोडियम एन प्लस आयन, पोटेशियम के प्लस आयन, सीजियम सी प्लस आयन, अमोनियम एन फोर प्लस आयन, मर्क्यूरस एच प्लस आयन, क्यूपरस सी प्लस आयन। अब उन आयन्स को डिस्कस करते हैं जिनकी वैलेंसी टू होती है सो मैग्नीशियम प्लस टू आयन एम जी प्लस टू कैल्शियम सी ए प्लस टू कैल्शियम से हमारी बोन्स बनती हैं आप सभी जानते ही होंगे, बेरियम बी ए प्लस टू फेरस एफ ई प्लस टू मर्क्यूरिक एच जी प्लस टू क्यूपरिक सी यू प्लस टू इन सभी की वैलेंसी टू होती है अब हम उनको पढ़ते हैं जिनकी वैलेंसी थ्री है एल्यूमिनियम ए एल प्लस थ्री बोरोन बी प्लस थ्री फेरिक एफ ई प्लस थ्री तो इस तरीके से आपको ये हर एक एलिमेंट अपने चार्ज के साथ यानी वैलेंसी के साथ याद होना चाहिए ताकि हम जैसा नाइन्थ क्लास में हमने सीखा था फॉर्मुलेस बनाना वैसे ही फॉर्मुलेस बनाकर केमिकल इक्वेशन को लिख सकें और बैलेंस कर सकें अच्छा फ्रेंड यहाँ पर आपने शायद ध्यान दिया हो मर्क्यूरस लिखा है और फिर मर्क्यूरिक लिखा हुआ है दोनों का सिंबल एच है तो इनके ऊपर चार्ज अलग अलग क्यों है कुछ एलिमेंट ऐसे होते हैं जो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट को शो करते हैं अलग अलग वैलेंसीज को शो करते हैं तो जब उनकी वैलेंसी लो होती है जैसे मर्क्यूरी की वैलेंसी प्लस वन भी है और इसी मर्क्यूरिक की वैलेंसी प्लस टू भी है तो जब एक एलिमेंट अपनी लो वैलेंसी को शो करता है तो उसके नाम के आगे अस जुड़ जाता है तो मर्क्यूरी क्या बन जाएगा जब वो प्लस वन वैलेंसी शो करेगा मर्क्यूरस पर यही मर्क्यूरी जब अपनी ज्यादा वैलेंसी को शो करेगा यानी प्लस टू को शो करेगा तो इसके नाम के आगे एक ऐड हो जाता है यानी मर्क्यूरिक अब आपको समझ में है सेम मर्क्यूरी के नीचे ही आप देखिए क्यूपरस यानी कॉपर का सिंबल है मर्क्यूरिक के नीचे देखिए क्यूपरिक कॉपर का सिंबल है पर इनकी वैलेंसी क्यूपरस में प्लस वन और क्यूपरिक में प्लस टू तो अब आपको समझ में आएगी क्यों क्योंकि कॉपर जब अपनी लो वैलेंसी को शो करेगा तो उसके नाम के आगे अस आ जाएगा यानी क्यूप्रस बन जाएगा और जब कॉपर अपनी हाई वैलेंसी को शो करेगा तो उसके नाम के आगे इक आ जाएगा यानी क्यूप्रिक आ जाएगा तो रिएक्शन को बनाते वक्त हमको इस चीज़ पर ध्यान देना है कि कहाँ पर उसकी लो वैलेंसी को यूज करना और कहां पर उसकी हाई वैलेंसी को यूज करना है ओके स्टूडेंट्स? नेक्स्ट स्पीशीज तो का ऑपोजिट एनाइन पर क्या होता है नेगेटिव चार्ज होता है इनकी वैलेंसी भी आप देख सकते हो वन टू थ्री है बट इनकी वैलेंसी नेगेटिव में होती है क्योंकि एनायंस पर माइनस का चार्ज होता है आइए पढ़ते फ्लोराइड एफ माइनस वन क्लोराइड सी एल माइनस वन ब्रोमाइड बी आर माइनस वन आयोडाइड आयोडीन माइनस वन आई माइनस वन हाइड्रोक्साइड ओ एच माइनस वन ओके इनके अंदर लो वेलेंसी या हाई वेलेंसी का कोई भी केस नहीं होता इनमें एक फिक्सड वैलेंसी होती है जिसे हम लोग करते हैं ऑक्साइड माइनस टू सल्फाइड एस माइनस टू सल्फाइट यहाँ पर आप लोगों को ध्यान देना है सल्फाइड सल्फाइट ये एक जैसे ही लगते हैं तो सल्फाइड सल्फर के कंपाउंड और सल्फाइट जब एस ओ थ्री माइनस टू होता है सल्फेट एस ओ फोर माइनस टू कार्बोनेट का फॉर्मूला सी ओ थ्री माइनस टू यहाँ पर आप देख सकते हो थ्री नीचे दिया गया और चार्ज ऊपर है तो हमको इसमें कंफ्यूज नहीं होना है सीओ थ्री क्या हो गया कार्बोनेट का फॉर्मूला और माइनस टू क्या हो गई उसकी वैलेंसी नाइट्राइड एन माइनस p थ्री अगेन कंफ्यूज नहीं होना है फोस्फाइट पीओ थ्री माइनस थ्री और फोस्फेट पीओ फोर माइनस थ्री तो इस तरीके से हम लोगों ने पढ़ा आज कि एसिड के क्या नाम होते हैं उनके क्या फॉर्मूले हैं बेस के क्या नाम होते हैं उनके क्या फॉर्मूले हैं केटाइन और एनाइन के तो एग्जैक्ट हमने बहुत सारे फॉर्मूले और सिम्बल्स को देखा तो अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इन्हीं सिंबल्स की मदद से एसिड और बेस के फॉर्मूलेस की मदद से पहले केमिकल इक्वेशन को बनाना सीखेंगे और फिर उसे बैलेंस्ड करना सीखेंगे आई होप आप सभी को एन्जॉय हो रहा है आप सभी मेरे साथ पढ़ाई के साथ साथ लर्न बाय फन एक्टिविटी भी कर रहे हो अपने रिस्पॉन्स और अपने सजेशंस देते रहिएगा सो दैट आई कैन इम्प्रोवाइज माई वर्क फॉर योर बेटरमेंट दैट्स ऑल फॉर द डे थैंक यू